देखिए, आपने ये रंगरेज का जिक्र किया राजशेखर, और एक और गाना है जिसके शूट के दौरान ये वर्तनी का मामला फंसा था, लिपि का मामला फंसा था। आपकी एक फिल्म आई है इरफान भाई की, करीब करीब सिंगल, उसमें आपका ये लिखा एक बड़ा खूबसूरत गाना है, जाने दे वो जो था ख्वाब सा, और इसे गाया है आतिफ असलम ने। तो वहाँ पे लिपि का मामला कैसे फंसा था? हाँ, ये मतलब अभी वहाँ पे गुरमुखी और देवनागरी है यहाँ पे, तो हम यहाँ दुबई में रिकॉर्डिंग होनी थी इसकी, तो हम लोग दुबई पहुँचे एक बार और वो पहले मुखड़ा सुना दें उस गाने का। वो जो था ख्वाब सा, क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे कि जाने दे, क्यों ना रोक कर खुद को एक मशवरा कर लें, मगर जाने दे, आदतन तो सोचेंगे, आदतन तो सोचेंगे, होता यूं तो क्या होता, मगर जाने दे, ऐसा। तो हम लोग दुबई पहुंचे रिकॉर्डिंग के लिए, और वहाँ पे फिर आदतन देवनागरी में लिखते हैं, लेकिन फिर हमको, अरे तो आतिफ तो नहीं जानते होंगे देवनागरी, तो हमने फटाफट फटाफट रोमन में उसको लिख दिया गाने को गाने को, हाथ से ही तो दिया उनको। तो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई ये ना मैं समझ में नहीं आ रहा, मेन MAIN, ये क्या हो रहा है, ये बहुत गड़बड़ सा मामला हो रहा है, मेरे से हो नहीं पा रहा है। तो हमने कहा कि वो तो चेंज, थोड़ा सा इसको बदल दूं क्या मैं? मैंने कहा अब इतने मेहनत से लिरिक्स लिखा है, सब कुछ ठीक है, अब ये कह रहे हैं बदल दें, मतलब हमको लगा कि ये लिरिकली चेंज करना चाह रहे हैं उसको। हाँ तो हमने कहा कि आपको दिक्कत किस किस वर्ड में दिक्कत आ रही है? बोला नहीं, वर्ड की दिक्कत नहीं है, मैं ये रोमन में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं इसको उर्दू में करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उनके भाई ने फिर पूरा उर्दू बोला, अब देखो फील आ रही है। तो ये बॉम्बे में इनफैक्ट कई बार मुझे दिक्कत होती है कि वो रोमन में जब लिखना पड़ता है ना बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि और अगर आप कोई तमिलनाडु से है या वो आंध्रा से है या कहीं गैर नागरी हिंदी से जिसका वहाँ परिचय नहीं परिचय है। नहीं, उनके लिए फिर भी ठीक है, पर अब तो हिंदी वाले भी लोग ज़्यादातर रोमन में ही लिखने लगे हैं, पढ़ते भी हैं वो। काफी चलाई गाना है वो जो था ख्वाब सा, क्या कहें उसे। बिहार से, सॉरी बीच में रोक रहे हैं नहीं नहीं आपको, प्लीज। बिहार से इसकी एक लाइन है कि आशा नहीं है मगर जाना नहीं अब उधर, मालूम है जहाँ दर्द है वहीं फिर भी क्यों जाए, वही कश्मकश वही उलझने वही टीस क्यों लाए। अब इस लाइन पे, बेहतर तो ये होता हम मिले ही ना होते, मगर जाने दे। तो बिहार से हमको एक कॉल आया, भैया बहुत अच्छा गाना लिखे हैं पर यहाँ ड्राई स्टेट है, ये गाना 3 गुना 4 गुना चलता अगर ड्राई स्टेट नहीं होता बेहतर तो ये होता कि हम मिले ही ना होते। बोला इसका मजा भैया समझ रहे हैं ना, तरन्नुम में आने के बाद और आता।